मिकाइल। अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? आगरा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एंटी ब्लॉग। आ जाती है फट से। आइए भाभी बोलिए। सो फाइनली हम निकले हैं आगरा की ट्रिप के लिए। वहाँ हम जाने वाले हैं आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, और देखेंगे वहाँ पे जो भी है वो एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग भी फाइनली आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भाभी के साथ अपनी आगरा, दानिश भाई के साथ, नासिर भाई और हम। फरमान भी है। फरमान भाई तो हम लोग को ले के जा रहे हैं। ये फाइनली अभी हम लोग फूड कोर्ट आए गए, तो अभी फरमान भाई क्या खाया जाए? हाँ देखते हैं क्या है कुछ। बाबा जी की बूटी। फरमान भाई बाबा जी की बूटी। ये मिकाइल, मिकाइल भाभी दोनों लोग आ रहे हैं। चाय लेनी ना भाई? कितनी चाय मिलाओ? कुछ है कितनी? चार। हाँ चार चाय। चार चाय भाई। मटरी वगैरह है ये? मटरी वगैरह भी है। मटरी कोर्ट में। आप यहाँ पे ये देखिए बिल की लाइन भी देख सकते हैं कितनी लंबी लगी हुई है कैश काउंटर पे। फरमान भाई अभी हम लोग को कहाँ चलना है? आगरा चलना है, ताजमहल। और तो फिर हम लोग देखिए वहाँ भी जाएंगे, आगरा फोर्ट और जाएंगे ताजमहल, देखेंगे शाहजहाँ ने बनवाया है, पहली बार देखने जाएंगे। एकदम वो वाली है ना? सही तो है। मैंने अभी जो ली वो एकदम ऐसी नॉर्मल वाली चाय थी, लोकल। ठंडी कर रहे हैं दानिश भाई? हाँ बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत लाइन लगी है, बहुत झमेला है यहाँ पे। टोकन कटाओ फिर जाके सामान खरीदो, कितना टाइम लग रहा है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। मिकाइल हेलो मिकाइल मेरा भाई। या क्या हुआ मिकाइल? ये देखो मिकाइल मेरा मिकाइल है, छोटा सा मिकाइल। अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? आगरा दिल्ली है ना मिकाइल? कुछ बताइए भाई, आगरा जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप इतनी तगड़ी निकली हुई और लग ही नहीं रहा है। और लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी हम लोगों की। हम लोग इसी तरह के अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट लेके आते रहेंगे नासिर भाई, और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पार्क है यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पे फोर्ट किंग में गए थे, थोड़ा सा खाया पिया, चाय वगैरह पी, और अब हम लोग जा रहे हैं आगरा के लिए सीधे। ये खड़ी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो फरमान की। पापा कहाँ गया? ये छोटा सा पापा है, छोटा सा
ये छोटा सा पापा है, ये छोटा सा पापा किसका है, रुको, ये छोटा सा पापा है, छोटा सा पापा सो फाइनली हम पहुंच गए हैं, अभी हम यहाँ पे पार्किंग में खड़े हैं, यहाँ से बस 300 मीटर्स की दूरी पे ताजमहल है, अभी हम अंदर जाएंगे फिर आपको आगे का दिखाएंगे। और ये क्या ओबराय होटल, ये हम लोग के पीछे आप लोगों को लोकेशन दिख सकती है गाइस, यहाँ पे ओबराय होटल ये, और यहाँ से शायद 400 to 500 मीटर जो है आगरा ताजमहल। लोग सब लोग ताजमहल पहुंच गए, हम शिफा भाभी, दानिश भाई, फरमान भाई, आंटी और यो, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी, यहाँ से पता नहीं कितना वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पर। फरमान बेवजह हंस रहा है, दिखाओ ये शक्ल, दिखाओ शक्ल, दिखाई फरमान भाई, इधर आइए, अभी शक्ल दिखाएगा, ये इसको लगता है ये चश्मा पहन के दरोगा लगता है, लेकिन नहीं जरा भी दरोगा नहीं लगते हैं, ये कमिश्नर लगते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि रूट क्या है, सिस्टम क्या है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता करने की। दो टिकट होती है, एक 50, और यहाँ पे ये देखिए मिनी बस भी जा रही है, ये गोल्फ कार्ट है, मिनी बस नहीं है, गोल्फ कार्ट है, गोल्फ कार्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, दो तरीके की टिकट है, एक 50 रुपए वाली और एक 250 वाली है ना, जाके अंदर पता करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है। और यहाँ पर हम लोग पता है अभी दोपहर का 3 बजा हुआ है एंड और हम लोग सुबह 22 डिग्री, धूप बिल्कुल भी नहीं है, साफ है आसमान, तो अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं अभी। और हम लोग सुबह निकले थे लखनऊ से कितने बजे, 8 बजे, नहीं नहीं 8 बजे, 9:30, हम लोग बहुत लेट निकले, 9 तभी तो देर हो गई, लेकिन आप लोग प्लान करिएगा तो जल्दी आने की कोशिश करिएगा, फिर भी यहाँ पे आने में आने में फायदा है, 3 घंटे तो लगे होंगे भाई आराम से हम लोग को 3 घंटे यहाँ पर लग गए आने में। एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा था, और हम लोग रुके हुए थे वहाँ पर, चाय वगैरह हम लोगों ने पी, नासिर भाई हमारे डॉक्टर साहब पीछे आ रहे हैं, ये देखिए डॉक्टर साहब की एंट्री हो गई, सब आ गए, वो बोले थे हम ताजमहल का मुआवजा करेंगे, तपासेंगे कैसा है कैसा नहीं, क्या तकलीफ है ताजमहल को। डॉक्टर साहब का कहना ये ताजमहल जो है मुमताज की याद में बनाया है शाहजहां ने। देखिए हम लोगों को यहाँ पे बिल्ली मिल गई है, ताजमहल जाने के जा रहे थे, ये शाहजहां की पाली हुई, ये शाहजहां की बिल्ली पाली हुई थी, ये अभी तक अभी बोरिया रही है, अंदर नहीं जा सकते भाई, क्यों, अंदर का 250 चार्ज है, अंदर का 250 चार्ज है, आगरा का डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसमें देखिएगा गाड़ी में सब कैसे चढ़ेंगे, ये मिनी बस लग रही है, जैसे लखनऊ में चलती है वैसे ही लग रही है, ये मिनी बस श्री मुरली बालाजी कॉटेज, ये सब शॉप्स हैं यहाँ पर सारी, और यहाँ पर अंग्रेज वगैरह देखिए निकल रहे हैं, सब फॉरेनर्स यहाँ पर जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत सारे फॉरेनर जा रहे हैं, ये सब फॉरनर थे, अंग्रेज जो थे वो गांधी जी के ज़माने में थे, अच्छा जो भाग गए थे। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं व्लॉग में मेरे, हेलो, बढ़िया सा शूट कर रहे हैं वीडियो, ताजमहल यहाँ से एंट्री करेंगे, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लगी हुई है यहाँ पर, वेलकम टू ताजमहल ईस्ट गेट एंट्री, और इसी के साथ हम एंट्री करते हुए ताजमहल की हिस्ट्री में देख रहे हैं हम लोग क्या 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 कैसे बना हुआ था, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हो 1985 में कैसा था, 1987 में कैसा था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्टोर करके रखा हुआ है, दिस इज सेवन वंडर्स, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत अच्छा है। सात अजूबे दुनिया में उसमें से एक नहीं, देखो अजूबा क्रिएट किया उन्होंने। अरे वाह कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड आया हुआ है, फर्स्ट टाइम आए हम लोग विजिट कर रहे हैं यहाँ पर ताजमहल में, और
लोकेशन देख सकते हैं कितनी प्यारी है, क्या एंगल आ रहा है ज़बरदस्त वीडियो में। फरमान सेठ से हाय। महल के पास और ये दुनिया के सात अजूबों में से और शाहजहां ने मुमताज़ की मोहब्बत में बनवाया था ये, कंफर्म हमें नहीं पता है लेकिन लोग ऐसा बताते हैं, तो अभी रिसर्च करते हैं अंदर चल के, अंदर थोड़ा सा दिखा दिया। और अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं सीधे ताजमहल आगरा का, ये कितनी प्यारी लोकेशन है और क्राउड देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर है। भाई हमारा फोटो शूट हो गया, बहुत बढ़िया, दानिश भाई का भी फोटो शूट हो गया बेहतरीन, यहाँ पर DSLR से भाभी का भी हो गया। फोटो शूट करा रहे थे, तुम क्या करा रहे थे? फोटो नहीं रहे थे, मानी नहीं रहे थे, रुकी नहीं रहे थे तैयब, तो रुकी नहीं रहते फोटो शूट में। अब यहाँ पे लास्ट में मिकाइल का और आंटी का फोटो शूट होने वाला है। मैं ले लूँ आंटी, जी भाभी बिल्कुल, भाभी आपकी वीडियो ले लेंगे, आ जाओ पूरा परिवार मम्मी के लिए सिंगल। अब यहाँ पर हम लोगों का फोटो शूट होने वाला है, बढ़िया सी फोटो क्लिक करिएगा भाई। आप बैठे, आप बैठे, शॉर्ट बैठेंगे, इतना मजा आ रहा है। अभी हम लोग ताजमहल के पास हैं और यहाँ पर फोटो शूट वगैरह हो रहा है, अब आंटी का फोटो शूट हो रहा है। ये देखिए आगरा फोर्ट से वैसे ही दिखता है, क्या मतलब, बट देख लेंगे टाइम मिला तो। हो गया, अभी यहाँ आप होंगे ताजमहल का कोई नहीं होगा, और कोई भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है कोई, नाम नहीं पता है मुझे। क्या जबरदस्त ब्यूटीफुल लोकेशन है यहाँ पर। जल्दी आइए, भाभी बड़े कहाँ है वो, मेरी की बड़े उनकी ये भाई जी, भाई सोलो सोलो ये मस्त फोटो आई है भाई, शिफा भाभी एक नंबर फोटो आई है आप लोगों की सबकी। शिफा ऐसे चलते आना ना, तो फिर और इधर नहीं जाने दे रहे क्या? हाँ अंदर नहीं जाने दे रहे, नहीं सुनो ना, तैयार तैयार जी भाभी, यहाँ से सिर्फ एक वीडियो निकली, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी लिया हुआ है ना, कौन सी नहीं, तो एक वहाँ की ले लो, यहाँ की ले लो, ऐसा करो एक यहाँ की एक यहाँ की, आप बताओ भैया, नहीं हटा दिए ये भी हटा दिए, ये भी बेकार है, ये भी बेकार, अरे सब डिलीट हो जाएगी, ये भी बेकार है, ये सही है ये ना, नहीं नहीं ये वाली सही है, डिलीट जो सही का ही हुआ आपने डिलीट कर दी, नहीं नहीं बराबर किया उन्होंने, बोलो ना तुम, ये बेकार है, ये वाली सही है, मेरा सोलो नहीं ये वाली सही ये है भाभी, ये सही लग रही है, तुम्हारी मैं कर दूं मेरे हिसाब से, अच्छा भाई कैसी मेरी भाई, आप देखिए भाभी ये सही लग रही है, देख लो हाँ वो अच्छी है, पुरानी पिछली वाली, फरमान 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 भाई आइए चूज करिए, दो ये वाली रखो, ये अच्छी है, डिलीट ये बैठे वाली है डिलीट कर दो, हो गई, और एक यहाँ वाली, ये मम्मी की, और आगे दिखाओ ये परिवार, ये देखिए यहाँ पे फोटो शूट वगैरह चल रहा है, बहुत सारा क्राउड आया है। किलोमीटर है आगरा फोर्ट, वो कितने किलोमीटर है? यहीं से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो अभी हम लोग जाएंगे आगरा फोर्ट, यहाँ से काफी बढ़िया एंगल मिल रहा होगा GoPro से, बहुत महंगा पड़ गया GoPro हमको।
व्लॉग शूट करने ही के लिए हमने परचेज किया था। और ये देखिए अब हम लोग इधर आ गए आगरा ताजमहल। यहाँ पे नदी वगैरह है, पानी वगैरह, और फरमान भाई फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे नासिर भाई फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं। ये यहाँ पर नदी वगैरह है और यहाँ पे नो फ्लाइंग जोन भी है। बंकर बने हुए हैं आर्मी वालों के, क्योंकि ताजमहल को कोई ठेस ना पहुँचा सके। कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल ताजमहल। ये हम लोगों की फैमिली है पूरी। चलिए एक राउंड लगा के आते हैं उधर से। दानिश भाई एक राउंड लगाने चलिए उधर, चलिए एक राउंड मारते हैं उधर का। आइए भाभी वापस इधर आएंगे। हाँ फिर आएंगे घूम के। आइए इधर वापस सुने यहाँ बाहर निकलने की बाहर से यहाँ पे आएंगे तो आंटी को भी तो लेना। आंटी यहाँ बैठे आगे आगे उस तरफ, तो थोड़ा सा हम लोग जाके वापस आ जाएंगे। ऐसा करते हैं थोड़ा सा जाके वापस आ जाते हैं। टूर करवा दो, जब तक आए हैं तो इतना तो घूम ही ले हैं भाई। हाँ थोड़ा टूर करवा दो ना यूट्यूबर्स को अपने सब्सक्राइबर। जितने भी मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं ताजमहल को। यहाँ पे ब्लैक वाटर है एकदम पूरा। बाहर जाएंगे बाहर पे ये मस्जिद जो है जैसे लगता है इस कोने पे है जबकि उसके जस्ट पीछे जस्ट पीछे एकदम बाजू में बोलो एकदम साइड में लग कर जमाने में ऐसा आर्किटेक्चर। अरे इन लोगों का आज के लोगों के पास दिमागी कहाँ है भाई, इतना खतरनाक हो जाता था उस टाइम। तुम लोग इसे घूम के हमें मम्मी के पास जाते हो साथ ही में चलो ना, बहुत लंबा है। अपन कहाँ से जाने वाले? दानिश भाई क्या दिखा अंदर? बाप रे क्या है? नहीं बताने वाला चीज़ नहीं है भाई है? खतरनाक चीज़ है क्या एकदम? अरे बाप रे। और आप क्या बता रहे थे यहाँ पे फ्लाइंग जोन? ये नो फ्लाइंग जोन, नो फ्लाइंग जोन है। नो फ्लाइंग मतलब यहाँ पर से कोई भी कमर्शियल या प्राइवेट प्लेन्स भी फ्लाई नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड, बैंड है। और दूसरा क्या बता रहे थे नासिर? दूसरे सामने बंकर्स बने हैं और बंकर्स वो सामने बंकर्स बने हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए। बाकी ये जो पानी बह रहा है जो ब्लैक ताजमहल कहा जाता है वो ये पानी है एक्चुअली में। अच्छा चांदनी रात को यहाँ पे ताजमहल शो होता है उसको लोग काला ताजमहल ब्लैक ताजमहल बोलते हैं। पानी पे अक्स होता है वही है। अच्छा इसी का होता है व्हाइट वाले का, इसी को ब्लैक ताजमहल की कहानी बना के फेमस किया गया। लेकिन इतना खूबसूरत है दोस्तों माशाल्लाह, क्या बताएं। इधर भी देख सकते हैं मस्जिद और उधर भी मस्जिद और बीच में एकदम ताजमहल और जस्ट ताजमहल के एकदम नीचे हैं हम लोग। आई होप कि आपको कंटेंट हम लोगों का बढ़िया लग रहा होगा यहाँ पर का, क्योंकि अब अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। मिक्कू 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 की नहीं आई है वीडियो, बहुत कम आई थी। मिक्कू सो गए थे। हाँ मिक्कू सो रहे थे ना ताजमहल। ओ नहीं देखा। अरे 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 मिक्कू मिकाइल मिकाइल मिक्कू 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 मिक्कू। बहुत खूबसूरत है आंटी ताजमहल, हद से ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए आइए 6.5 मिलियन फॉलोवर्स। हाँ नहीं बोलोगे नहीं, फोटो वोटो अगर खींचना है तो चलिए आइए बात कर लेंगे। मम्मी मेरे चढ़ पाओगे मिठाई को? ले लूँगा। अभी हम लोग निकल आए ताजमहल से बाहर और अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं कार जहाँ पे खड़ी हुई है कार के पास जा रहे हैं। यहाँ पर सब खाने का है। शाम भी हो गई है, 5 वगैरह बज गए काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बहुत भूख लग रही है, बोलने का टाइम नहीं है अभी। हाय एवरीवन, अभी हम लोग यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं। नहीं स्नैक्स के लिए आए हैं, डिनर कर रहे हैं। स्नैक्स टाइम पे डिनर कर रहे हैं। होटल खान साहब साहब में आए हम लोग, हालत एकदम खराब है, भूख से बेहाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाना आ गया है, होटल मिला है बहुत ज्यादा ठीक है ना। ये है चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, तंदूरी रोटी। लिए फरमान भाई निकाल दिया। ये भी दे दो निकाल के। तुम आंटी को निकाल दो।
परफेक्ट। तुम ये सर्व करो। ग्रेवी रखी हुई है, राइस आ रहा है परमान भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। आज का व्लॉग जो होता है नहीं खत्म नहीं हो रहा है, फिर अभी तो चाय चल रही है। अभी यहाँ हम लोगों ने खाना खाया, खान साहब से दिखाइए खान साहब। अभी हम देसी तड़के की चाय पी रहे हैं, देसी तड़का, बहुत ही बेहतरीन चाय है, थोड़ी मीठी ज़्यादा है, आप बोल दीजिएगा शक्कर कम लगाने को। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑन द वे टू लखनऊ नाउ, अराउंड 3 आवर्स का जर्नी होगा फरमान सेठ। इंशाल्लाह नासिर सर, कुछ डॉक्टर नासिर कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत थक चुके हैं, बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था, एक नंबर था। थकान की आपके पास डॉक्टर नासिर? थकान की दवा सबसे अच्छी है कि जाके सो जाए। आपका ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मजा आया, बहुत मजा रहा। फिर भाई का कोई बात ही नहीं है, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाए तो दानिश भाई, के लिए भाई दानिश शिफा को ताजमहल दिखाने तो लेके जा सकते हैं। अरे हाँ, तुम बोलो, तुम्हारा चैनल बोलो बोलो। आप बोल दिए, अरे उनसे बुलवाना जाके फॉरेनर से। आप भी बोल दिए चाय के साथ, किसी के साथ आज का ब्लॉग बोलो, तुम बोलो, मैं बता रहा हूँ। चाय तो नहीं पी रही हूँ। तो पकड़ लो ना, तुम एक्टिंग करने में एक नंबर हो ना। और इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है, चाय के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार, अभी हैव अ YouTube चैनल, सो वी हैव जस्ट शॉट द ताजमहल सीन, सो आई जस्ट वांट यू टू से ऑन माय YouTube चैनल जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। या Well, YouTube. And now? Yeah, you can start then. With what? Which was? What is my task? Just like, share like, and subscribe to MT Vlogs. Please like, share and subscribe. Subscribe to MT Vlog. MB Vlog. Can you say that? MT Vlog 1998. MT Vlog 1998. MT Vlog. MT Vlog. Please subscribe, share and subscribe. Comment. Like, share, comment, subscribe. Please like, share and subscribe to MT Vlog. 1998. Nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ciao. Thank you. Bye. Bye.